इधर इंदौर में बीजेपी की बड़ी बैठक कल राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष लेंगे। बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा होगी, जिसमें बूथ मजबूत सहित कई मुद्दों पर चर्चा होगी। बीजेपी कोर कमेटी के सभी मेंबर इस बैठक में शामिल होंगे। राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष बैठक लेंगे। ये बैठक का आयोजन इंदौर में होगा और प्रदेश, बता दें आपको, प्रदेश संगठन के जुड़े कई नेता, साथ ही राष्ट्रीय संगठन प्रभारी बीएल संतोष ये बैठक लेंगे। प्रदेश के संगठन के कई सदस्य इसमें पहुंचेंगे शामिल होने। बीजेपी कोर कमेटी के सभी मेंबर इसमें उपस्थित होंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी इस वक्त जुड़ गए। मनोज जी, बड़ी बैठक कल इंदौर में होने जा रही है, क्या अपडेट और क्या एजेंडा इस बैठक का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जब नड्डा यहाँ पहुंचे थे तो उन्होंने ये कहा था कि बार बार आपकी बैठकें होते रहना चाहिए, कोर कमेटी की बैठकें होते रहना चाहिए। लेकिन उसके बाद बीएल संतोष, जो कि राष्ट्रीय संगठन प्रभारी है, वो मध्य प्रदेश पहुंच रहे हैं। और आपको याद होगा जब रातापानी में एक बड़ी बैठक हुई थी जिसमें कई तरह के निर्णय लिए गए थे, और उसी तरह की ये बैठक है। लेकिन इस बैठक को बहुत ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कुछ कहा नहीं जा रहा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बैठक में बड़ी महत्वपूर्ण होगी, कई तरह के निर्णय हो सकते हैं जिसमें कई वरिष्ठ पदाधिकारी इसमें शामिल होंगे। अभी यह भी स्पष्ट नहीं है कि किन किन लोगों को बुलाया गया है, लेकिन ये बैठक चुनाव से ठीक पहले, चूंकि बीएल संतोष पहुंच रहे हैं, बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनके पास है। संगठन और सत्ता के समन्वय के साथ बाकी और कैसे बेहतर तालमेल के साथ आगे बढ़े, जो जानकारी मेरे पास है उसके मुताबिक ये बैठक बड़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह भी कही जाएगी दीपक, कि जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष आए उसके तत्काल बाद फिर यह निर्णय हो जाता है कि इंदौर में बैठक होगी। हालांकि इसकी तारीख को लेकर संसद चलता रहा और अब तारीख भी तय हो गई है, स्थान भी तय है कि इंदौर में, पर इसमें और कौन कौन शामिल होने वाले, जाहिर है भारतीय जनता पार्टी के, चाहे प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या संगठन के जो जुड़े, जैसे प्रकाश जी है, मुरलीधर राव है, मुख्यमंत्री जी भी जा सकते हैं, तो ऐसे नामों की चर्चा जरूर समझ आ रही। लेकिन इस बैठक के बाद कई तरह की चीजें सामने आएंगी, ये साफ। चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस बातचीत के लिए, खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। We'll be right back.